शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चेयरमैन इब्तदाई रसूली क्लीसिया ऑफ पाकिस्तान पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ का मेमोरियल सर्विस में खसूसी खिताब। तफसीलात के मुताबिक मुबशर अफजाल भट्टी, तारिक भट्टी, शफकत भट्टी के ताया, शामिल भट्टी के बड़े भाई बूटा भट्टी, लियाकत भट्टी, रफाकत भट्टी के वालिद राबिया बेगम के शोहर की मेमोरियल सर्विस ईसा नगरी में मुनक्कद हुई। मजहबी समाजी रहनुमाओं, रिश्तेदारों, बरादरी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मसीही परस्तारों सलीम भट्टी पर आसर अरशाद गौरी असलम मसीह ने खुदा की खूब हमदो सना की। चेयरमैन इब्तदाई रसूली क्लीसिया ऑफ पाकिस्तान पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने खसूसी खिताब करते हुए कहा कि माँ बाप बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन खुदा ताला वालदैन से बढ़कर इंसान को प्यार करता है और वो इंसान को माँ के बतन से लेकर सर सफेद होने यानी बुढ़ापे तक संभालता है। इसके अतात फरमा बरदारी से आकबत संवारी जा सकती है। मसीह को कबूल करने का सबसे बड़ा आजाज ये है कि मौत का डर खत्म हो जाता है। मुबशर अफजाल भट्टी ने नकाबत के भी फराइज अंजाम दिए। इस मौके पर पास्टर फियाज मसीह नाहरा, पास्टर शहजाद मसीह सोत्रा, पादरी जावेद गिल, हनीफ मसीह चेदा और दीगर ने शिरकत और दुआ की। गमजदा खानदान की तसल्ली की दुआएं की गई। पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने नशा की लानत के खात्मा, ईमानदारों की बहाली, मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ और बरकात कलमात अदा किए।